इस चांद की चांदनी को भी उस वक्त का इंतजार है कि जब जीत की आतिशबाजी की इसकी चमक भी कुछ कम हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम आवाज। दर्शकों, 58 साल पहले एक गाना आया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। इसके बाद दर्शकों की निगाहें वहीं के वहीं ठहर गई। कुछ देर बाद राधा बोलती है कि हाँ संगम होगा। ऐसा ही एक संगम हुआ है यूपी की राजनीति। यहाँ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आए हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं तो जयंत चौधरी मुखिया हैं आरएलडी के। दोनों का संगम तो हो गया है, लेकिन इन संगम को इंतजार है एक और संगम का। वो संगम है मुसलमान वोटर और जाट वोटरों का। अगर मुसलमान और जाट एक साथ आ जाते हैं तो इनका संगम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर मुसलमान और जाट साथ नहीं आता है और एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग पार्टियों को वोट करता है तो हर तरफ भगवा लहराएगा, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। 1989 में मुजफ्फरनगर की नईमा के चलते एक हुए थे जाट मुसलमान। राकेश टिकैत के पिता ने लड़ी थी मुसलमानों की लड़ाई, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों ने लगाई आग। जयंत और अखिलेश चाहें जाट और मुसलमान का साथ। बहुजन से सर्वजन की ओर चला हाथी। 2007 के चुनावों में बेधड़क दौड़ता हुआ सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लेकिन 5 साल में हाथी की मूर्ति तो बन गई, लेकिन सरकारी दफ्तरों से हाथी हटा दिए गए, क्योंकि अब यादवों के गढ़ से निकलती साइकिल ने हवा भरवा ली थी। और यह हवा कुछ ऐसी चली कि 2012 में साइकिल सीधा लखनऊ में जाकर रुकी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। और रुकी तो कुछ ऐसी रुकी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर पार्क हो गई। साइकिल एक थी और चलाने वाले बैठने वाले से ज्यादा, इसलिए पहले हल्की सवारियां उतारी गई। माफियाओं का नाम धारण किए नेताओं को सत्ता की सड़क पर किनारे उतार दिया गया। फिर भार कम नहीं हुआ तो साइकिल चला रहे अखिलेश यादव ने सियासी कोहनी मारकर चाचा को साइकिल से गिरा दिया। इसके बाद साइकिल चालक के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी घर पर जाकर आराम की बात कहते हुए साइकिल से उतर गए। साइकिल पर जब तक भार कम हुआ तब तक दिल्ली से आती मोदी लहर सब कुछ ढहा दिया। हालांकि राहुल गांधी भी उस वक्त अपना पंजा लिए साइकिल को धक्का लगा रहे थे, लेकिन पंजा बचा न साइकिल बची, अखिलेश बचे न राहुल गांधी। कुछ यूं चली थी मोदी की आंधी। मोदी की आंधी में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता के नाम के आगे विजयी लग गया। पूरा यूपी भगवामय हो गया और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय और विवादों के साए में रहने वाले नेता योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अखिलेश यादव द्वारा सड़क किनारे उतारे गए माफियाओं को जेल भिजवा दिया और जो माफिया घर चले गए थे उनके घर बुलडोजर भिजवा दिए। योगी जी के भक्त उन्हें प्यार से बुलडोजर बाबा भी बुलाते हैं। 5 सालों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, गाड़ियां पलट रही थी, बुलडोजर चल रहा था, दंगा हुआ नहीं था, भगवान लहरा रहा था। देखो आप अंतर समझ सकते हैं, वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा के लिए। ना चोरी होवेगी ना दंगे होएंगे, क्या बात है।
सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर चमकने वाली बुआ भी शांत थी, लेकिन तभी नई साइकिल खरीद कर लाए बुआ के बबुआ यानी अखिलेश यादव ने नारा दिया कि नई सपा है, नई हवा है। इस बार हवा से इशारा साइकिल में हवा भरते सहयोगी दलों से था। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग। यूं तो साइकिल में हवा ओपी राजभर से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भरते नजर आ रहे थे, लेकिन चर्चा और खर्चा सब जयंत चौधरी के नाम का है। मतलब बस पर साइकिल का फोटो लगाकर चल रहे समाजवादी रथ की छत पर भी कोई समाजवादी नहीं बल्कि जयंत चौधरी ही जा सकते हैं। आइए आइए कि ऊपर नहीं जा पाओगे तुम नहीं जा पाओगे, जयंत जी जा सकते हैं। अखिलेश के साथ जयंत ही जयंत नजर आ रही हैं। तो वजह क्या है? राजनीति में कोई यूं ही इतना प्यारा नहीं होता। राजनीति में राज करने की भी नीति होती है जो बेवफाई के मोहल्ले से ही होकर गुजरती है। तो ये कौन सी नीति है जो अखिलेश को जयंत की तरफ आकर्षित कर रही है? जवाब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यही वो सवाल है जिस पर पूरा बवाल। एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी चाहती है कि एक और गठजोड़ बने, वो गठजोड़ हो मुसलमानों का और जाटों का, और मुसलमान और जाट वोटर एक साथ वोट करें और उनके पक्ष में वोट जाए। तो एक और दल है, वो है भाजपा। भाजपा चाहता है कि जाट और मुसलमान एक साथ ना आए और एक दूसरे के खिलाफ जैसा उन्होंने पिछले दो चुनावों में वोट किया है वैसा ही वोट जाता रहे, और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को ही होगा। तो पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है वहां का यही अभी सूरत हाल है, लेकिन इस सूरत हाल में हल्की सी खटास डालने की कोशिश करता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की टीस आज भी बरकरार है, तो क्या मुजफ्फरनगर दंगों की आग पर किसान आंदोलन पानी फेर पाएगा, और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बार फायदा मिलेगा, या फिर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन इस बार मुसलमान और जाट वोटरों का साथ पा पाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता है, विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था। अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। उठो और अपने हक को छीनो। मैं कोई जवानी हूं तो ऐसे करके पलटता। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। नईमा के साथ हुई घटना और उसके बाद जाटों का नईमा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना जाट और मुसलमानों को और करीब ले आया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बीच इस करीबी में थोड़ी दूरी भी आई। हालांकि चौधरी चरण सिंह के समय से ही जाटों और मुसलमानों को एक ही तराजू में तौला गया। तराजू के कांटे पर किसानी का मुद्दा ठहरता रहा, सब कुछ ठीक था सिर्फ 2013 तक। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, हिंदू मरा मुसलमान भी मरा और किसानी के नाम पर लटकता तराजू भी टूट गया। जाट और मुसलमानों के बीच की दीवार पर रंग रोवन का काम हर पार्टी ने किया, लेकिन फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ। जाट एक तरफा बीजेपी के साथ चले गए और मुसलमान एक तरफा बीजेपी के खिलाफ। समय बदला,
और 2020 के आखिरी पहर से शुरू हुए किसान आंदोलन ने मुजफ्फरनगर दंगों की आग पर पानी डाल दिया। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा है। सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, किसान भी घरों को लौट गए, लेकिन टीस कहीं ना कहीं बाकी है। इसी टीस का फायदा उठाने की जुगत में जयंत के साथ आए हैं अखिलेश यादव। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान एक साथ आ गए तो सपा गठबंधन पश्चिम में एक तरफा जीत हासिल करेगा, और अगर जाट वर्सेस मुसलमान हुआ तो घर घर भगवा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ती ये तस्वीर वही है जो तस्वीर दरअसल साफ हो पाएगी 10 मार्च को। 10 मार्च वो तारीख जब वोट खुलेंगे, 10 मार्च वो तारीख जब मतपेटियां खुलेंगी और उस पिटारे से खुलेगी कई नेताओं की किस्त पर, और तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अब शासन किसका होगा, तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन किस शासन के अंदर काम करेगा। तो 10 मार्च तक का हर पार्टी को इंतजार है, लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा की ओर एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्क्रिप्ट के तहत आवाज का कार्यक्रम था। ये स्पेशल कार्यक्रम यूपी ट्रांसमिशन, यूपी इलेक्शन ट्रांसमिशन के तहत था और इसी के हवाले से था, और हमने एक तस्वीर आपके सामने रखी है जो हल्की धुंधली है, लेकिन 10 मार्च के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।